हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा एकेडमी। नालंदा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1500 MCQ का एक नया पार्ट, जिसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ उससे संबंधित जानकारी भी प्रदान करूँगा। साथ ही इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि अब तक दोस्तों आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो चैनल पे, वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पर आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जो कि हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कल के लिए वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उसमें मैं बताते वक्त तो सही बता के गया, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग एरर होने के कारण कुछ चीज़ें गलत हो गई थी। तो पहले मैं आपको वो बता दूँ कि जो लास्ट स्लाइड थी उसमें तीसरे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे जो भारत गवर्नर जनरल लिखा है, ये एक्चुअली भारत का नहीं है, ये गवर्नर का, बंगाल का गवर्नर जनरल है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने नई PPG बना दिया और उसमें से सही कर दिया है, तो मैंने नई PPG भेज दी है। आप इसे डिलीट कर दीजिएगा और जो अब मैंने भेजी है PPG उसे रखिएगा अपने पास। तो ये एक्चुअली भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था भारत का गवर्नर जनरल कौन था, पहला गवर्नर जनरल। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और जब बात कही जाती है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना दोस्तों। तो इसे आप बंगाल का कर लीजिए, भारत क्योंकि मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का था कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को सेनापति या कमांडर इन चीफ बनाया गया? तो इसका आंसर है C 1786, जिसे मैं बोलते वक्त तो सही बोला, लेकिन इसमें मैंने टिक लगा दिया था BY 81 में, है ना। तो इसका सही आंसर 1786 है, तो इसे भी सही कर लीजिएगा। और ये तीन क्वेश्चन में थोड़ा सा कल एरर हो गई थी, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और चलिए अब आज से यहाँ से अब अपनी स्टार्ट करते हैं अगली स्लाइड, है ना। और यहाँ से आज से हम पढ़ते हैं नया अपना। तो इन तीनों को आप देख लीजिएगा और इसकी PPT जो है, जो सही PPT है, वो मैं आपको भेज दूंगा, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1813 का चार्टर एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1813 का जब चार्टर एक्ट आया, उस समय पे बंगाल में गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन था दोस्तों? लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से कम कर दिया गया है? दोस्तों ध्यान रखिए, जहाँ से चार्टर एक्ट आना स्टार्ट हुए थे, वहाँ से कंपनी को क्या होता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश संसद थी, वो अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी को कहीं ना कहीं अधिकार प्रदान करती थी व्यापार करने का, व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर देती थी। जैसे 1793 में उसने 20 वर्षों का उसे व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया, अर्थात 1813 तक वो व्यापार कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि 1813 में वो दे दी तो है अधिकार, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार कुछ चीज़ों में देती है, बाकी में ख़त्म कर देती है। यानी कि चाय, चीन और अफीम, है ना, चाय, चीन और अफीम। तो चाय, चीन और इन चीज़ों पे वो देती है। इसके अलावा वो बाकी चीज़ों को लेके जो अधिकार था उसे ख़त्म कर देती है, अर्थात अब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इन चीज़ों को लेके इंडिया के साथ एक तरफा व्यापार कर सकती है, यानी अकेले व्यापार कर सकती है इन चीज़ों पे, और कोई व्यापारी या और कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कॉटन्स हो गए, कपड़े हो गए, या कालीन हो गए, या और भी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को, या मसाले हो गए, उन चीज़ों को लेकर अब यूरोप की या ब्रिटिश की कोई भी कंपनी, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन की कोई भी कंपनी अब उनके साथ यानी भारत के साथ व्यापार कर सकती है। तो
कौन से अधिनियम के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक यानी थोड़ा कम कर दिया गया। तो अभी तक उसके पास व्यापारिक एकाधिकार पूरा था कि वो किसी भी चीज़ पे सिर्फ वही कंपनी थी जो अकेले डील करती थी और कोई नहीं होता था इसके अलावा। लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा अधिकार कम किया गया और कहा गया कि अब और कंपनियाँ भी आएंगी और इसके साथ व्यापार कर सकती हैं भारत के साथ में। तो जब कम किया गया तो कब किया गया कम, तो वो किया गया दोस्तों 1813 में। कब किया गया दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से कम कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत नहीं आ रहे थे, लेकिन आ रहे थे लेकिन बहुत कम, ठीक है। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की आज़ादी दे दी गई, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ की परमिशन दे दी गई कि अब आप भारत आइए। और भारत के लोगों को, एक तो उनका काम था भारत के लोगों को इंग्लिश सिखाना, एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो बोलचाल में इंग्लिश भाषा में एक्सपर्ट हो या बोलचाल में इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर सके, और साथ ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और ये बताना कि हमारा धर्म कितना अच्छा है, हम कितने सभ्य लोग हैं, हम कितने सिविलियंस लोग हैं। इन चीज़ों के लिए इनको यहाँ लाया गया और इनको यहाँ पे प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया, तो ये दोस्तों ये भी 1813 के अधिनियम के तहत किया गया, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1813 के अधिनियम में भारत में कितनी शिक्षा पर कितनी राशि खर्च करने की बात कही गई। तो क्योंकि दोस्तों होता क्या था कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करती आ रही थी एक तरफा, तो एक तरफा व्यापार में से कभी इश्यू इतना नहीं गया। लेकिन अब क्या हुआ कि जब 1813 से उसका व्यापारिक एकाधिकार कुछ कम जब कर दिया गया, तो हुआ क्या कि अब बाकी कंपनियां भी व्यापार करने आ गई, अब उन्हें भी व्यापार करना है, आपको भी करना है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता लगी या कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो कि उनकी भाषा का प्रयोग कर सके और उनके सामान को, उनके माल को अच्छा बता सके कि ये माल अच्छा है और बेस्ट क्वालिटी का है, और उनके गुणगान कर सकें। तो कहने का मतलब कि रूप और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन बोलचाल में कैसे हो, अंग्रेज हो, है ना। और जाकि ताकि वो उनके धर्म का, उनके समाज का, उनके पदार्थ वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अच्छा बता सकें और उनकी तारीफ कर सकें, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो इसलिए इस पर्पज से उन्होंने क्या किया कि भारत में पहली बार शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही। ये शिक्षा सबको नहीं दी गई, बहुत गिने चुने लोगों को, गिने बुने गिने चुने वर्ग के समुदाय के लोगों को दी गई। और इस पे कितने खर्च की बात की गई, तो इस पे शुरुआत में 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने की बात कही गई थी, अर्थात 1 लाख रुपए दिया गया था जिससे कुछ गिने चुने समुदाय या वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जानी थी। और शिक्षा काय की दी जानी थी, ये शिक्षा दी जानी थी इंग्लिश की, ताकि उनकी इंग्लिश अच्छी की जा सके जिससे वो हमारे पदार्थों को या हमारे वस्तुओं को बेचने में हमारी सहायता करें और हमारे ऑफिस के कामकाज के लिए भी उपयोगी। क्योंकि क्योंकि होता क्या था कि देखिए, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग। वहाँ का बंदा यदि यहाँ काम करने आएगा तो एक तो यहाँ के एटमोसफियर में काम उसको रहना बहुत मुश्किल होता था, और यदि आ भी जाता है तो क्योंकि वो घर से दूर आता था इतना दूर, तो सैलरी बहुत डिमांड करते थे। और इंडियंस के साथ क्या था कि वो यहीं रह रहे थे, यदि यहीं के लोगों को सस्ते काम दाम पे यहीं पे काम कराया जाए तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उनको पैसे भी बच रहे थे ऐसे में। तो उन्होंने क्या किया कि यहीं के लोगों को तैयार किया, क्योंकि वो कम पैसे में भी मान जाते थे और यहीं के थे, तो उनको इंग्लिश सिखाई और उनसे काम लेना उनके लिए ज़्यादा आसान और ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ। तो इसलिए उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही, जिसमें उनका उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था, बल्कि उनको इतना पढ़ा लिखा देना था ताकि वो उनके ऑफिस उपयोग के लिए काम आ सके, या उनके ऑफिस में वो काम कर सके, या उनके वस्तुओं को, उनकी चीज़ों को बेचने में सहायता कर सके। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर था बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो देखिए दोस्तों, जो भी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वो जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वो 1773 में उन्हें बंगाल का ही गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे, तब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल। तो किस एक्ट के तहत, तो ये 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो मैंने आपको बताया प्रीवियसली अभी कि
कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटेक, ठीक है। और 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस अधिनियम ने बंगाल और मद्रास के गवर्नर को उसकी विधायी शक्ति से वंचित कर दिया? देखिए क्वेश्चन समझिए, ये कह रहा है, देखिए हमें पता था कि तीन केंद्र थे उस समय पे, कौन कौन था? एक था बंगाल, एक था महाराष्ट्र और एक था मद्रास, ठीक है। तीनों जगह गवर्नर हुआ करते थे। अब होता क्या है कि 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और इन दोनों को, मैंने आपको बताया था, इन दोनों को इसके नीचे कर दिया जाता है, यानी इसके अंडर काम करेंगे। अब 1833 में, ठीक है, 1833 में इसे ही, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और सारी शक्तियाँ इसी के पास केंद्रित कर दी जाती है, यानी पावर्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, पावर का केंद्रीयकरण हो जाता है, शक्तियों का केंद्रीकरण, जिसके तहत क्या होता है कि इन दोनों की सारी शक्तियाँ छीन के किसको दे दी जाती है? इसको दे दी जाती है। अर्थात अब ये बंगाल से बैठे बैठे पूरे भारत के लिए किसी भी प्रकार का नियम या नियमावली या कानून बना सकता है। अब तक क्या होता था कि बंगाल वाले एरिया के लिए बंगाल का बनाता था, मद्रास वाले एरिया के लिए मद्रास का, और महाराष्ट्र वाले एरिया के लिए महाराष्ट्र बनाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों। अब क्या हो रहा है कि अब कोई भी कहीं भी क्षेत्र के लिए यदि कानून बनाना है तो वो कौन बनाता था? तो वो सारे कानून बनाता था कौन? बंगाल का या भारत का गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर हुआ ए, 1833। चलिए ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को विधायिका संबंधी असीमित अधिकार प्रदान किए? अभी मैंने आपको समझाया प्रीवियसली स्लाइड में कि अब क्या हुआ कि अब उसे असीमित अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। कब? 1833 के अधिनियम के तहत ही। कि अब वो क्या कर रहा है, वो अपने एरिया के लिए या अपने क्षेत्र के लिए नियम तो बना ही रहा है, साथ ही साथ वो मद्रास और बम्बई या महाराष्ट्र, ये जो दो स्टेट थे, जो प्रेसिडेंसी थी, इनके लिए भी वही नियम कानून बना रहा है, वही नियमावली बना रहा है। तो उसके पास क्या हुआ है, अब विधायिका संबंधी असीमित अधिकार प्राप्त हो गए उसे, कि वो पूरे भारत के लिए कहीं से भी कोई सा भी अधिकार बना सकता है वहीं बैठे बैठे, है ना। तो इस तरह से उसे असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए, और उनके कहीं ना कहीं जो मद्रास और बंगाल, सॉरी, जो मद्रास और महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे, उनको उनकी शक्तियों से वंचित भी कर दिया गया, क्योंकि उसकी शक्ति अब किसको स्थानांतरित कर दी गई या किसको ट्रांसफर कर दी गई? तो भारत के गवर्नर जनरल को, यानी अर्थात जो समय थे विलियम बैंटिक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि पहले उसके व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए हमेशा बढ़ा दिया जाता था, 20-20 वर्षों का चार्टर एक्ट दिया जाता था, 1793 में दिया, उससे पहले भी दिया, कि 20-20 वर्षों का चार्टर एक्ट देके उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता था, और वो 20 वर्षों तक कंपनी के साथ व्यापार, कंपनी जो है भारत में एक तरफा व्यापार करती थी, यानी उसके अलावा और कोई कंपनी ब्रिटिश से आके भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन फिर क्या होता है कि 1813 में इसे आंशिक रूप से कुछ कम कर दिया जाता है, कि कुछ चीज़ों को छोड़ के, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप डील करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ही भारत के साथ व्यापार करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों को लेकर कोई भी भारत के साथ व्यापार कर सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर दोस्तों 1833 के एक्ट के तहत कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे टोटली खत्म कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? टोटली खत्म कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि अब भारत के साथ ब्रिटिश की कोई सी भी कंपनी आके किसी भी चीज़ में डील कर सकती है, या सारी कंपनियां जाती हैं, कोई भी कंपनी बना सकता है, और वो भारत के साथ जाकर किसी भी चीज़ पे व्यापार कर सकता है। तो इस तरीके से 1833 के अधिनियम के तहत अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार का जो चार्टर था, जो उनके पास अधिकार था, उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि अब आप व्यापार करते रहिए, बाकी कोई भी आके उसके साथ व्यापार कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई थी जिसे बाद में वापस लेना पड़ा? देखिए कुछ दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इसीलिए इसमें ये लाइन जोड़ी है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हुए। तो देखिए होता क्या है कि 1833
में लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य बन के आते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल में, जो भारत के गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल में एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं। कौन? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ही फिर इसकी बात कहते हैं कि यहाँ पे परीक्षा आयोजित होनी चाहिए, इसके लिए सिविल सेवा के लिए, क्योंकि अब तक क्या होता था कि अपने किसी रिलेटिव को यहाँ पे लाके सिविल सेवक बना दिया जाता था, जिसमें वो योग्यता नहीं होती थी जो कि एक्ट में होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इसके लिए सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाए, ताकि जो योग्य कैंडिडेट हैं, जो उसके लिए सही कैंडिडेट हैं, जो होना चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो हमें प्राप्त हो सके। तो इन्होंने इसकी बात कही कि अब सिविल सर्विस एग्जाम होना चाहिए, और उसमें जो बैठेगा, जो चयनित होगा, जिस पे क्वालिटी होगी, जो उसके लिए एलिजिबल होगा, उसी को हम लेंगे। ठीक है, तो बात तो की गई इसमें, इसके लिए कहा गया, लेकिन होता क्या है कि जो सीओजी था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो निदेशक मंडल था, इन्होंने इसका घोर विरोध किया, इन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। क्यों? क्योंकि अब तक इनके ही रिलेटिव या इनके अपने ही सिविल सेवक बन के इंडिया में आते थे, और वो अच्छा खासा लाभ कमाते थे इंडिया में आके, है ना। अब लेकिन जब इनके हाथ से जीत जाएगी तो इनको दुख तो होगा ही, तो इन्होंने इसका विरोध किया। और हुआ क्या, इनके विरोध के कारण ब्रिटिश संसद को ये जो अधिनियम में जो प्रावधान था, इसे वापस लेना पड़ा। तो ये कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1833 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1833 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। ठीक है, तो ये 1833 के अधिनियम के तहत होता है, 1833 के अधिनियम के तहत ये काम होता है, जिसमें बात तो की जाती है सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की, लेकिन उसे वापस लेना पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को उसके विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था? तो देखिए दोस्तों, अब तक क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल था वो विधायी कार्य भी देख रहा था और प्रशासनिक कार्य भी देख रहा था, लेकिन अब क्या होता है कि उसके काम, उसका क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा हो गया था, पहले उसको बंगाल भर देखना होता था, लेकिन टाइम के साथ में धीरे धीरे ये अपने अधिकार यानी अपने क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे थे, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र था उसको बढ़ाते जा रहे थे। अब क्या होता है, ज़्यादा एरिया होने के कारण उसको एक साथ अकेले सारा मैनेज काम करने में थोड़ा सा कठिनाई होने लगी, और उसकी सहूलियत को, ताकि गवर्नेंस जो है, जो शासन है वो अच्छे तरीके से चलाया जा सके पूरे भारत में, उसको सहूलियत देने के लिए, उसके अच्छे उसको अच्छे तरीके से चला सकने के लिए, गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल है, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ताकि काम को अच्छे से और प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके, कि और उसमें प्रॉपर तरीके से कार्य किया जा सके। तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 1853 के अधिनियम के तहत, 1853 के अधिनियम में इसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और, मैंने आपको बताया कि अब तक इनका जो एकाधिकार था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, फिर कुछ आंशिक कमी के साथ में इसको दिया गया अधिकार दिया गया, फिर पूर्णतः इसे ख़त्म कर दिया गया था, है ना। और लेकिन जो चार्टर था वो 20 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा था, है ना। लेकिन 1853 के तहत क्या किया गया कि 1853 के तहत उन्होंने कोई भी एक टाइम नहीं दिया था कि आपका जो व्यापारिक एकाधिकार है वो इतने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, उसमें सीधा कह दिया कि अब आपका जो व्यापारिक एकाधिकार है वो अनिश्चित काल तक के लिए है। इसका मतलब ये था कि अब ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी भी समय उनका अधिकार छीन सकता था, या किसी भी समय उनको उनके अधिकार से वंचित कर सकता था, और कह सकता था कि अब आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के रूप में काम करेंगे, सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के तौर पे काम करेंगे, ना कि यहाँ के प्रशासनिक के तौर पे, या आपके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन के काम करेंगे, वो फिर हम देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद होता है क्या कि 1857 की क्रांति होती है, और इस तरीके से वो एक इनको जरिया मिल जाता है ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन खत्म करने का, या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करने का उनको एक जरिया मिल जाता है, एक तरीका मिल जाता है, और यहाँ से उसका शासन को खत्म कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया? तो अब तक क्या होता था दोस्तों कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसमें अब तक जितने भी लोग हुआ करते थे वो ब्रिटिश के ही होते थे, और यूरोपियंस ही होते थे, वो ब्रिटिश के ही होते थे, लेकिन पहली बार 1853 के अधिनियम के तहत अब केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी दिया गया, या केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय लोगों को भी जगह दी जाने लगी, उनको चुनाव में या किसी और चीज़ में उनको भी जगह दी जाने लगी। तो पहली बार, जब कहा जाए कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व कब से प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 1853। ठीक है, तो इसके तहत उन्हें यहाँ पे भी जगह दी जाने लगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1833 का चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है कि 1833 जब चार्टर एक्ट आया तब उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, मैंने आपको कई बार बताया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल था कौन? विलियम बेंटिक। कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसको मैंने बताया कि ये पहले भारत के गवर्नर जनरल भी थे। कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल थे ये। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि 1833 में इसका प्रावधान किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लेकिन क्योंकि सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण से वापस लेना पड़ा, 20 साल बाद फिर से वो इस चीज़ का प्रावधान करता है कि ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद पे जो ब्रिटिश संसद है वो 1853 यानी आपका आंसर जी सही है, 1853 के एक्ट में इस चीज़ को डाल देती है कि अब सिविल सेवकों के लिए क्या होगा, तो सिविल सेवकों के लिए अब परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा और परीक्षा के द्वारा ही उनकी भर्ती भी की जाएगी। तो कब से होता है ये? कि 1853 से अब सिविल सेवकों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी इसका डी आंसर सही था। अगला क्वेश्चन है, 1853 का चार्टर अधिनियम, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी मैंने आपको बताया 1833 के, 1833 में कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब बात आती है कि 1853 के चार्टर अधिनियम जब आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कौन था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। यही बंदा वो है जिसने रेलवे चलाई थी भारत में। इसने क्या किया था? तो इसने भारत में रेलवे चलाई थी, या रेलवे की स्टार्टिंग इसी ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब आपका काम यह है कि आपको कमेंट में ये बताना है कि पहली रेलवे या पहली ट्रेन भारत में कब और कहाँ से चलाई, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि पहली ट्रेन भारत में कब और कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, सिविल सेवाओं का आयोजन भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो मैंने आपको बताया कि सिविल सेवाओं का आयोजन 1853 से स्टार्ट हो चुका था। अब सिविल सेवाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन स्टार्ट किया दिया गया था कब से? 1853 के अधिनियम के तहत 1854 से, है ना। लेकिन भारत में उसका पेपर कब से हुआ? क्यों? क्योंकि अब तक जो एग्जाम हो रहा था, ये जो अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं का जो परीक्षा कराई जा रही थी वो कहाँ कराई जा रही थी? तो वो कराई जा रही थी लंदन में। लेकिन भारत में इसका आयोजन कब से स्टार्ट हुआ, या भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं कब से स्टार्ट होने लगी? तो ये 1922 से हुई। कब से दोस्तों? 1922 से। तो 1922 से सिविल सेवाओं का जो सिविल सेवा जो परीक्षा थी उनका आयोजन भारत में भी किया जाने लगा, ताकि भारत के लोगों को सहूलियत हो सके। तो इसका सही आंसर है ए, यानी सिविल सेवाओं का आयोजन भारत में 1922 से प्रारंभ कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवाओं का सर्वप्रथम आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहले कहाँ होता था। तो 1853 से लेके 1921-22 तक आप कह सकते हो कि कहाँ हो रहा था ये हो रहा था लंदन में। ठीक है, अब 1922 से ये भारत में भी स्टार्ट हो गया। कहाँ पे हो गया दोस्तों? भारत में होने लगा पेपर। लेकिन अब भारत में तो हुआ, लेकिन भारत तो बहुत बड़ा है, तो भारत में किस स्थान पर? तो भारत में ये हुआ हमारे इलाहाबाद में। कहाँ हुआ दोस्तों? इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है, या प्रयागराज में इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो इलाहाबाद में स्टार्ट हुआ था सिविल सेवा का पेपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? ठीक है, वही क्वेश्चन है दोस्तों, कि सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, क्वेश्चन सेम है, बस मैंने क्वेश्चन घुमाया हुआ है, उसको थोड़ा लैंग्वेज घुमा दी है, क्वेश्चन सेम है, आंसर वही रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए पेपर में भी यही होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को घुमा के डाल देते हैं और हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल से समझिए कि ये पूछ रहा है कि सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कब से स्टार्ट किया गया। ठीक है, सिविल सेवाओं के लिए
प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कब से स्टार्ट किया, क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कब से किया गया, 1853 से। तो इसका सही आंसर क्या है, डी 1853। ठीक है, यहाँ से सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन स्टार्ट कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की सिफारिश पर भारतीयों को भी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का अधिकार मिला, तो ये मैंने आपको भी बताया दोस्तों। कौन सी समिति थी, वो थी लॉर्ड मैकाले समिति। लॉर्ड मैकाले कौन थे, तो ये भारत में विधि सदस्य बन के आए थे। विधि सदस्य यानी विधि यानी लॉ है ना, तो लॉ या विधि सदस्य बन के भारत में आए थे, और इनकी सिफारिश पे 1854 में इनने सिफारिश की थी, और इनकी सिफारिशों के बेस पे ही यहाँ पे परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था। ठीक है, सॉरी लॉर्ड मैकाले की सिफारिश, लॉर्ड मैकाले समिति में थी और समिति की सिफारिश पे इसका आयोजन किया गया। और देखिए जो ये लॉर्ड मैकाले थे ना, ये विधि सदस्य तो थे ही, और जो आज हम पढ़ते हैं ना, जो यूपीएससी के जो सिलेबस होता है, वो कहीं ना कहीं यही डिसाइड कर गए थे कि यूपीएससी के अधिकारी से हमें क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कि उसे किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, कि उसे क्या आना चाहिए। इसीलिए हमें ये सब पढ़ना पड़ता है जो आज हम पढ़ रहे हैं। और जो भारत में इंग्लिश पद्धति पे पढ़ाई होती है, इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वो भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंग्लिश में जो पढ़ाई स्टार्ट की गई थी इंग्लिश में, वो भी लॉर्ड मैकाले की जो समिति थी, लॉर्ड मैकाले समिति, इन्हीं की संस्तुति या इन्हीं की अनुशंसाओं, इन्हीं की रिकमेंडेशन पे स्टार्ट की गई थी। जो आज भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है हमारे ही देश में एज कम्पेयर टू हिंदी है ना, तो उसका भी इन्होंने ही रिकमेंडेशन दिया था। तो दो ये सारे काम यही करके गए थे लॉर्ड मैकाले। जो हमारी यह शिक्षा पद्धति है, जो हमारे भारत की शिक्षा पद्धति या एजुकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है। ठीक है, जो आज हम देख रहे हैं जिस रूप में, वो लॉर्ड मैकाले की ही देन है। लॉर्ड मैकाले समिति की रिकमेंडेशन पे ही रखी गई थी, जिसको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको अब मोदी गवर्नमेंट बदलने की कोशिश कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, अब उसमें कुछ चेंजेस लाने की बात कर रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे पहले चयनित होने वाले भारतीय कौन थे। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर सबको पता होगा, इसका आंसर है सी सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो सिविल सेवा परीक्षा में बैठकर या उसमें सेलेक्ट हुए थे, उसमें चयनित हुए थे। तो ये कब हुए थे, ये हुए थे 1864 में। कब हुए थे दोस्तों, 1864 में सिविल सेवा में बैठने वाले और चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। इससे पहले 1864 से पहले जितने भी सिविल सेवक थे वो कौन होते थे, वो ब्रिटिश सर से ही होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही होते थे, या ब्रिटिश देश के ही, या लंदन के, या ब्रिटिश कंट्री के ही होते थे। लेकिन पहले भारतीय जो चुने गए सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षाओं को देकर, वो कौन थे, वो थे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और ये कौन थे, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। कौन थे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और कब इन्होंने चयन परीक्षा में चयन किया, परीक्षा में सिलेक्ट हुए थे, तो 1864 में। आई होप कि आपको ये आज की पीडीएफ, आज की जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसके साथ ही हम अपनी आज की क्लास खत्म करते हैं, और आई होप कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें, और यदि निकलना भी पड़े तो हैंड सैनिटाइजर और डबल मास्क लेकर ही चलें, डबल मास्क लगा के चलें, साथ में सैनिटाइजर लेकर चलें, और पूरा प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज करें, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अपने समाज के योगदान में, अपने समाज के विकास और समाज को अच्छा रखने में अपना योगदान दें दोस्तों। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन को भी बटन को दबा दें। इसके अलावा आप हमारे चैनल्स को यदि पसंद आता है आपको ये, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ सारे सोशल मीडिया चैनल्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या टेलीग्राम पे शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी घर बैठे फ्री एजुकेशन मिल सके, एक अच्छी तैयारी हो सके, ताकि वो भी अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सके, और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि सबसे अच्छा ज्ञान का तरीका होता है उसे बांटना, है ना। द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टू डिलीवर द समथिंग, है ना। तो इसे जितना आप बांटेंगे उतना ज्ञान आपके साथ बढ़ेगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको कहा है, उसका आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि पहली रेल कब, कहाँ चली और किस समय चली थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ चली और किस समय चली थी। और चलिए तो अब हम आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए एमसीक्यूज के साथ।
जिसमें हम और उन्हें डिस्कस भी करेंगे और समझाएंगे भी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि कुछ चीज़ आपको सही नहीं लगती है या आपको लगता है कि और कुछ अच्छा होना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उन्हें हम इंटरटेन भी करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको कुछ भी लगता है तो आप ज़रूर हमें बताइए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल।